दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने वार्ड का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे तो उसके लिए आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको बताएंगे कि आप अपने वार्ड का वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। जी हाँ, तो उसके लिए वीडियो को आपको बिल्कुल जो है स्किप नहीं करना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि आप ये जो है वोटर लिस्ट कैसे ओपरा मिनी ब्राउजर को ओपन करना है। ठीक है, ओपरा मिनी ब्राउजर करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है sec.bihar.gov। ठीक है, आपको यहाँ लिखना है sec.bihar.gov.in। उसके बाद जो पहला वाला लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली से करना क्या है, ये जो लिंक है आपको सिंपली से इसी पे क्लिक कर देना है, पंचायत वोटर लिस्ट। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, सिंपली से क्लिक कर देना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको करना है क्या है, सिंपली से ये जो बॉक्स है इसको आपको टिक करना है। ठीक है, टिक करने के बाद प्रोसीड एनीवे पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले आप अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए, यानी कि आप अपने ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका जो ब्लॉक है, जो प्रखंड है आपका, उसे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पंचायत, आपका पंचायत जो भी है उसको यहाँ से आप चूज कीजिए। पंचायत को चूज करने के बाद अब आपकी पंचायत में जितने भी वार्ड हैं तो आपका वार्ड नंबर कितना है आप उसे यहाँ से चूज कीजिए। चूज करने के बाद सिंपली से आप डाउनलोड PDF पे क्लिक कर दीजिए। जब आप डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड सक्सेस हो जाएगा, ओके पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली से आपको ये जो देखिए इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड्स पे चले जाना है। डाउनलोड्स पे जाने के बाद ठीक है, डाउनलोड्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो वोटर लिस्ट है वो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने वार्ड का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई टेक्नोलॉजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।